Anyways, what's up? This is Vikram and welcome back to the channel. And आज है बहुत ही amazing और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है. तो आज का vlog है, actually मैं new super bike लेने वाला हूँ. और जैसे कि आप लोगों को stories में काफ़ी दिन से मैं बता रहा था कि कुछ नया surprise आने वाला है. अभी कुछ plan ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग Kawasaki जयनगर के showroom में आ रखें. और यहाँ पे plan ऐसा है कि अभी एक जनरल चेकअप करवाने वाले हैं बाइक का. उसके जनरल चेकअप के बाद में डिलीवरी अपने को हो जाएगी. कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो साथ में ग्रुप में राइड करते हैं, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे. अभी हाफ एन आवर पहुँच जाएगी तो मैं थोड़ा सा लेट ही निकलूँगा, क्योंकि एक तो आते टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, स्पेशली कैब में आके तो बिल्कुल लग जाता है. दैट्स वाई आई प्रेफर टू व्हीलर. आज के ब्लॉग में रिवील करने वाला हूँ मैं कि मैंने कौन सी बाइक ली है. तो स्टे ट्यून्ड, वॉच दिस वीडियो टिल एंड. तो अभी ये है Kawasaki का शोरूम. यहाँ पे अभी अपना बाइक का काम चल रहा है. बहुत लोगों ने कल मेरे को रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे कि कौन सी बाइक आने वाली है. तो आज का व्लॉग में आप लोगों को पता लग जाएगा. अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ से बाइक का डिलीवरी लेंगे और उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे सीधा. और अभी मेन चीज़ ये है कि कल मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो बहुत लोगों ने गेस किया. कई लोग बोले हायबूसा ले रहा हूँ, कई लोग बोले कि GSX 750 ले रहा हूँ, कोई कोई को लगा मैं एडवेंचर टूरर बाइक निकालने वाला हूँ. सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं इनलाइन 4 प्रेफर कर रहा हूँ, आई एम बाइंग अ सुपर बाइक. और उसके बाद में कभी एडवेंचर देखेंगे तो बाद में देखेंगे, क्योंकि एनी हाउ लॉन्ग मेरा रीज़न ये है. मैंने आई नो मैंने लद्दाख राइड की. लद्दाख राइड वैसे अगर आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन. और अभी सीन ये है कि पहले एडवेंचर प्लान कर रहा था मैं, बट अभी सीन ऐसा है कि जो ईयरली जो राइड्स होती है अपनी, वो होती है सिर्फ हार्डली 2-3-4, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती. बट नियर बाई स्टेट्स के लिए आई थिंक दिस बाइक इज़ इनफ. सो गाइज, अपने को फाइनली Z800 का अभी Kawasaki के शोरूम से डिलीवरी हो चुका है. और अभी मस्त लग रहा है, कुछ वर्ड्स नहीं है अपने को बोलने को. भाई लोग अपने आ रखे थे हाय. तो फाइनली अभी यहाँ से चलेंगे. छोटा सा राइड होगा बस ट्रैफिक वाला, तो अभी यहाँ से जाएंगे और उसके बाद में आपसे बाकी जो बातें हैं वो बीच में बाइक चलाते चलाते करते हैं. सो आई एम सुपर हैप्पी मैन, मतलब आज फाइनली ड्रीम्स कम ट्रू. और आज Z800 का डिलीवरी हो चुका है, यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली मैन. आ जाओ बैठो, मज़ा आ गया आज तो. तो अभी जो यहाँ पे जिस एरिया में रुके हुए हम लोग, दिस जयनगर. और अभी भाई लोगों के साथ में निकलेंगे वापस, क्योंकि थोड़ा सा जयनगर वाले एरिया में मैं ज़्यादा आता नहीं, पहले आता था बट अभी काफ़ी टाइम से बिल्कुल भूल गए हैं कौन सा रास्ता कहाँ जाता है. कि बैंगलोर में भी ऐसा पूरा डिवीज़न है, बैंगलोर साउथ नॉर्थ, और पूरा अलग लेवल का रहता है. मतलब ट्रैफिक यहाँ पे बहुत गंदा रहता है. अभी थोड़ा सा राइड एंजॉय करते हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है. मतलब रॉकेट जैसी आवाज़ आ रही है. अभी तो इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है और बैंगलोर में अभी थोड़ा सा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाना सही भी नहीं है, क्योंकि सीधे 50,000 का चलाना है. अभी थोड़ा टाइम इसी में चलाएंगे, जब थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा तब. तो ये है अपनी RR 310 गैंग. बहुत राइड किए हम लोगों ने आपस में और बहुत अच्छा लगता है. मतलब जब सारे ना मतलब एक अचीवमेंट में शामिल होते हैं साथ में, तो अलग लेवल वाला फीलिंग होता है. लव दिस. तो अभी इसका कुछ नाम सोचना है मेरे को, तो मेरे को जल्दी से कमेंट डाउन करके बताओ कि इस बाइक के लिए कौन कौन से जो नाम है वो अच्छे रहेंगे. तो ये है अपना जयनगर का रोड और यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जाते हैं तो आ जाता है
BTM लेआउट जहाँ पे मैं बहुत पहले रहता था, मतलब मैंने अपने करियर की जब स्टार्ट की थी तब वहाँ से ही जाता था, और उस टाइम मैं चलाता था पल्सर। तो लिटरली यार, मतलब वो दिन याद आ जाते हैं कि किस टाइम से कहाँ अभी पहुँच चुके हैं, और मतलब सब ऊपर वाले की देन है यार। मतलब इतनी चीज़ें अचीव करना, मतलब अपने से वो चीज़ बहुत मायने रखती है, और मैं विश करूँगा कि सबको ही ऐसा दिन देखने को मिले। सो अभी आपको इस बाइक के बारे में बता देते हैं कि ये वाली जो बाइक है, ये मेरे को Z800 2017 मॉडल मेरे को बहुत ही कम चली हुई, मतलब इतने सही प्राइस में मिली है, कांट इमेजिन। मेरे को ये 7938 हो रखा है अभी इस पर, थोड़ा बहुत और चला के। तो अब इस बाइक में ये है कि जो ओडोमीटर पे है 7939, सिर्फ 8000 लगभग चली हुई है बाइक, और 2017 मॉडल है, और मेरे को बहुत ही सही प्राइस में मिल गई इसका। और जो पूरा सर्विसिंग था, सारा सर्विस हिस्ट्री कावासाकी जयनगर में ही मेंटेन्ड है, और ऊपर से कर्नाटका नंबर है, तो मेरे को और ज़्यादा मतलब सोचने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कर्नाटका का नंबर कर्नाटका में चला सकता हूँ मैं इजीली, और आसपास वाले स्टेट्स में भी जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर दिल्ली या फिर कहीं और से निकलवाते हैं तो फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरे को यहाँ पे एक तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कराना, देन यहाँ का रजिस्ट्रेशन जो रोड टैक्स होता है वो पे कर रहा, तो वो सारी चीज़ें मिला के बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जितने प्राइस में मेरे को ये बाइक मिली है, दैट इज़ ए डिसेंट प्राइस, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनसे भी पूछा, सो दिस इज़ द बेस्ट प्राइस आई कैन गेट, और बहुत ही अमेजिंग, मतलब बाइक का पिकअप अल्टीमेट है। और जो Z800 है Z900 से ज़्यादा एग्रेसिव लुकिंग है, और इसमें पावर ज़्यादा है, तो BS नॉर्म्स के हिसाब से जो बाइक का है वो थोड़ा थोड़ा पावर गिराते जाते हैं, मतलब इंजन रिफाइन करते हैं, बट थोड़ा बहुत कहीं देखा जाए तो परफॉर्मेंस में ज़रूर चेंजेस आते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू, क्योंकि ये वाली बाइक मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था और फाइनली मेरे को मिल गई, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई, जैसे मैंने कि इंस्टाग्राम पे डाल दिया था जस्ट वन डे टू गो, क्योंकि मैंने उसी दिन देखा था, उसी दिन गया मैं, चेक किया, फाइनल किया, और जो डील है वो शाम तक ओके हो चुकी थी, और जो पेमेंट था, जो टोकन अमाउंट था, मैंने वो 50,000 का वो पहले दे दिया था। देन उसके बाद में आज जब मैंने इस बाइक का जो भी हिस्ट्री है वो सारा चेक करा लिया, सारी चीज़ें, ब्रेक पैड्स, टायर, और कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है, और जो बैटरी है वो सारा मतलब चेक करवा लिया कि बैटरी ओके है कि नहीं, और बाकी जो थोड़ा ब्रेक्स थे, ब्रेक और क्लच, ये सारी चीज़ें चेक करवा लिया, तो ऑल ओके है, बहुत सही डील मिल गई, एंड आई एम सुपर हैप्पी नाउ। और अभी मैं और मेरी वाइफ अभी जा रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि ऑफिस के लिए भी लॉगिन कर रहे हैं, तो आज तो थोड़ा सा काम ओके था, तो उसकी वजह से हम लोग निकला है, वरना अदरवाइज़ प्लान था कि सैटरडे को डिलीवरी लेंगे, बट अब आएगा मज़ा। तो मेरे को ना जल्दी से फॉलो कर दो इंस्टाग्राम विकेट राइडर ऑफिशियल पे, ताकि आप लोगों को जो भी है सारी रील्स और जो भी फ़ोटोज़ है ना सारी मिल जाएंगी आप लोगों को, सो डू चेकआउट। और यहाँ से अभी निकलते हैं, पेट्रोल ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल है, तो ज़्यादा चलाने का ज़रूरत, मतलब पेट्रोल पटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बैंगलोर में सीन है कि अभी बैंगलोर का जो मेट्रो लाइन वाला काम है ये सारा चल रहा है, और ये जो है मेन आउटर रिंग रोड है यहाँ की, तो सबसे ज़्यादा जो टेक पार्क्स हैं वो यहीं पर हैं, अभी ये इनका काम चल रहा है, पता नहीं कब कम्प्लीट होगा, बट यहाँ पर ऐसा रूल हो चुका है कि ये जो ऑरेंज वाला उस साइड में है वहाँ पर सिर्फ बस चलनी चाहिए, इधर वाले में आप बाइक, कार और बाकी सारे जो व्हीकल्स होते हैं वो चलते हैं, बट लोग कहाँ फॉलो करते हैं। और इवन रीज़न ये है कि मतलब उसको जस्टिफिकेशन तो नहीं कहेंगे, बट ऐसा भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लेन यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इस लेन में ही चलेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ये बाइक पसंद आई है तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।